और मैं हिमांशु कुमार आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने अभी एक दो दिन पहले अपने पेपर में न्यूज़ पब्लिश किया, साथ के साथ कुछ और ब्लूमबर्ग और बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी ऑलरेडी इस मैटर पे कर रखा है क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर के साथ 1 अप्रैल से मार्केट में, मतलब अपने वो जो उनके डिपार्टमेंट है उसमें आने वाला। आज का हमारा अगर टॉपिक देखें, नो कंट्री फॉर टैक्स इवेडर्स, इसका मतलब क्या है और इंडिया के कॉन्टेस्ट में क्या मतलब है। और दूसरा जो हेडलाइन था उनका वो था इंडिया इंटर अनचार्टर्ड टैक्स टेरिटरी, इसका मतलब क्या हुआ। आज दो चीजों पे बात करने वाले, स्पेशली वैसे लोगों के लिए जो कि BMW पे तो चढ़ते हैं और रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, या वैसे लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉरेन ट्रिप की फोटोग्राफ तो लगाते हैं लेकिन टैक्स पे नहीं करते हैं, या रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, या रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से कम है, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक तरह का सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना रखा है और इकोनॉमिक्स टाइम्स से क्लेम कर रहा है 15 तारीख जो मार्च चल रहा है उसमें उसकी टेस्टिंग स्टार्ट है और ये 30 तक उसकी टेस्टिंग चलनी है और उसको देख रहे हैं आखिर है क्या ये, किस तरह से काम करेगा, किस तरह के आपके लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला। ये उनके लिए नहीं है जो कि टाइमली अपना टैक्स पे करते हैं और अपनी जिंदगी सुकून से जी रहे हैं, ये उनके लिए है या तो न्यू टैक्स फाइलर हैं जो इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से आए, या जो नॉन फाइलर है उनको थोड़ी नहीं अब बहुत सावधानी की जरूरत है, वो सावधान हो जाए, अदरवाइज जो अब गवर्नमेंट ने जो सिस्टम अपनाया है उसमें आपको बहुत ही बड़ी परेशानी हो सकती है। हम अब बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट ने जो सॉफ्टवेयर बनाया अभी तक उसका नाम तो नहीं पता हमें क्योंकि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी उसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उसने उसके पूरे मैकेनिज्म को डिस्क्लोज किया है, उनके प्रोसेसिंग को डिस्क्लोज किया है और क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसका भी उन्होंने डिस्क्लोज किया है। तो यहाँ पे दो चीज़ों पे उन्होंने काम किया, एक तो बिग डेटा और एक मशीन लर्निंग, हम इस पर भी बात करेंगे इसका हमारे सॉफ्टवेयर की इम्पैक्ट हमारे लाइफ में कैसे होने वाला है। अभी तक क्या था कि जो गवर्नमेंट जो डेटा पुल करती है बहुत कह सकते हैं उसका एक ट्रेडिशनल तरीका था, जिसको ट्रेडिशनल तरीका का मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बहुत तरह के AIR इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बना था उसमें बैंक, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके अलग अलग एक्सपेंडिचर, जैसे आपने कोई कार खरीदा उसकी रजिस्ट्रिंग, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रिंग, यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न थी उससे मैप करती थी। साथ के साथ अभी जो सॉफ्टवेयर था जो उस तरह का आप कह सकते हैं कि अपग्रेडेड नहीं चाहते कि रियल टाइम में मैसिव डेटा को कंपाइल कर सके, तो पहली चीज की बिग डेटा को उन्होंने ले किया। इसका बेनिफिट यह है कि इंडिया जो जितनी बड़ी पॉपुलेशन है इसके इतने बड़े पॉपुलेशन के डेटा को एनालिसिस करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़े रोबोटिक सिस्टम की जरूरत थी जो कि बिग डेटा है जो रियल टाइम एनालिसिस करेगा। और जो सबसे खतरनाक जो चीज है कि ये अनकन्वेंशनल जो ट्रेडिशन है उसको ये तोड़ रहे हैं और अब आपके सोशल प्रोफाइल की भी रीडिंग स्टार्ट होगी। 1 अप्रैल के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो सॉफ्टवेयर यूज, जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसमें क्या है कि हर यूजर का प्रोफाइल बनाया जा रहा है और उसकी रिटर्न को एक तो जो ऑलरेडी फाइल कर रहा है उसको उसके प्रोफाइल के हिसाब से मैप किया जा रहा है और आपके सोशल प्रोफाइल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी जो इंपॉर्टेंट सोशल प्रोफाइल हैं वहाँ पे जाके डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आपके जो फोटोग्राफ्स हैं, जैसे कि मैंने एक BMW गाड़ी खरीदी और उसका मैंने फेसबुक पे उसको लगाया लेकिन मेरी इनकम जो थी वो BMW के हिसाब से नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये डेटा भी पुल करना स्टार्ट कर रही है। अभी तक जो तरीका था वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके थे, इसीलिए कहा कि अब वो क्या है कि अनचार्टर्ड टैक्स इंफॉर्मेशन में जा रहे हैं, यानी कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी रीड किया जाएगा, आपकी एक्टिविटी के मल्टीपल सिस्टम को रियल टाइम एनालिसिस किया जाएगा और वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के आपके इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मैच की जाएगी। अगर आपकी मैचिंग ठीक है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई परेशान नहीं करने वाला, लेकिन वैसे लोग जो कि फॉरेन ट्रिप तो जाते हैं लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या अपनी इनकम कम दिखाते हैं उनके लिए जो ये सिस्टम आ रहा है
बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। साथ के साथ अगर आप मतलब अगर देखें तो इसमें मिसमैच की जो भी इंफॉर्मेशन हो वो रैपिड काम होगा, साथ के साथ ये डेटा ऑटो रीड करेगा क्योंकि मशीन लर्निंग भी है, वो आपके डेटा को रीड कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, उसी से समझ रहा है और अंडरस्टैंडिंग भी ले रहा है। मशीन लर्निंग का अपना एक बहुत ही आज के डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है इस दोनों सॉफ्ट मतलब टेक्नोलॉजी का। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज़ करने वाली है और साथ के साथ जो नॉन फाइलर्स हैं उन पे इनकी बहुत ही पैनी नज़र है, स्पेशली जो डिफॉल्टर्स और नॉन फाइलर्स हैं जो कि इस तरह की लग्जरी लाइफ तो जी रहे हैं लेकिन रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं या फाइल कर रहे हैं टैक्स पे कम कर रहे हैं। तो वैसे लोगों पे शिकंजा करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है वो 1 अप्रैल 2019 से इफेक्टिव होने वाला है। ये मेरी नहीं, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की जो डिस्क्लोज है ये उनका है, ये उन्होंने क्लेम किया है कि 1 अप्रैल के से ही मतलब आने वाले कुछ दिनों के बाद ये पूरा सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, इसकी टेस्टिंग चल रही है, ये आने वाले टाइम में ये एक्टिव हो जाएगा। अगर एक्टिव हुआ तो आपके सोशल प्रोफाइल साथ के साथ हर इंडिविजुअल का एक अपना प्रोफाइल बनाया जा रहा है, इस प्रोफाइल के बाद उनकी टैगिंग उसके अकॉर्डिंगली की जा रही है और ये सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत उम्दा किस्म के टेक्नोलॉजी की यूज़ की गई है। साथ के साथ अगर मैं इसमें और बात करूँ तो जो डीमोनेटाइजेशन है अभी उसका भूत गया नहीं है, आप उस चक्कर में ना रहे कि डीमोनेटाइजेशन में जिन्होंने भी गलती की है वो बच के निकल जाएंगे क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में स्पेशल ये अगेन मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स की बातों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि डीमोनेटाइजेशन के पूरे पीरियड को स्पेशली वहाँ पर मैप किया गया है और आपके अकाउंट बैलेंस को अब क्या है कि आज के डेट में गवर्नमेंट के पास उस तरह का सिस्टम नहीं था डेटा एनालिसिस करने के लिए। तो ये जो अभी डीमोनेटाइजेशन का भूत है वो गया नहीं है। तो अगर आपने कुछ गलती की हुई है या डीमोनेटाइजेशन के बाद आपने रिटर्न फाइलिंग शुरू की है और आपने कोई भी सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं या उस तरह की चीज़ें की हैं तो आप थोड़े से सावधान नहीं कुछ ज़्यादा सावधान हो जाए और सोशल मीडिया पर रहने वाले एक्टिव जो सोशल एक्टिव लोग हैं उनको भी मैं एक नसीहत देना चाहूँगा कि कोई चीज़ अब डालने के पहले ना 10 बार सोचें कि क्या उसको पब्लिक डोमेन में डालना है या नहीं डालना। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे डालने के खामियाजे आपको भुगतने पड़े और बुरी तरह से भुगतने पड़े। अभी मैं इसमें पैनल प्रोविजन की बात नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिया गया है, मैं उसको अभी कोट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन लॉ बेसिस पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि रेट तक की बात की गई है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें हो जाए। तो सोशल प्रोफाइल वाले लोगों के लिए थोड़ी सी हिदायत है, बच के रहें और सोशल प्रोफाइल को जिस तरह से अभी यूज़ कर रहे हैं आने वाले दिनों में ना यूज़ करें तो आपके लिए भलाई है। साथ के साथ इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो एक बिजनेस स्टैंडर्ड ने जो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने भी डाला है तो उनके अकॉर्डिंगली भी कि ये इस तरह के स्टेप्स हैं और इनका डेमोनेटाइजेशन और राइट टाइम, इसमें मशीन लर्निंग को उन्होंने कहा कि राइट टाइम और राइट स्टेप वो मशीन खुद लेगा, यानी राइट टाइम और राइट स्टेप का मतलब ये हुआ कि जब वो मैचिंग करने के बाद किसी तरह का मिसमैच होगा तो वो खुद से डिसीजन लेगा कि उसको क्या और किस सेक्शन के हिसाब से आप पे नोटिस देना है या क्या करना है या किस डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है और क्या, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड सिस्टम में होगी। साथ के साथ एक चीज़ और है, मैं कुछ कंट्री का ब्लूमबर्ग ने भी इस पर रिपोर्ट डाला है और उन्होंने 4-5 कंट्री को बताया कि कहाँ कहाँ इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, उसमें बेल्जियम, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया। साथ के साथ ग्रेट ब्रिटेन का उन्होंने एक बहुत आप कह सकते बहुत एग्जाम्पल दिया है कि ग्रेट ब्रिटेन ने 100 मिलियन पाउंड लगाया था इस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने में और इस सॉफ्टवेयर के कारण जो उनकी टैक्स कलेक्शन या सेविंग जो हुई 4.1 बिलियन पाउंड का हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही अगर सही में गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई सिस्टम बना लिया है तो आने वाले टाइम में जो नंबर्स ऑफ रिटर्न्स के जो नंबर्स होंगे बहुत ही ज़्यादा होंगे। साथ के साथ इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जो नॉन फाइलर्स हैं या जो इनकम कमा के बैठे हैं और डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए उनकी फैमिली प्रोफाइल, उनकी प्रोफाइल, बहुत तरह के प्रोफाइलिंग सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले टाइम में जो ये इकोनॉमिक्स टाइम्स क्लेम कर रहा है कि इंडिया जो होगी
मतलब यहाँ पे टैक्स इवेडर्स की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि किस तरह का ये सॉफ्टवेयर है, जब तक कि 1 अप्रैल के बाद हो सकता है ये सॉफ्टवेयर मार्केट में आया, गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ इसको इन्फॉर्मेशन पास करे। अभी किसी के पास इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स ने जो क्लेम कर रखा और जो डिपार्टमेंट के और कुछ न्यूज़ हमें मिले उसके अकॉर्डिंगली हमें लग रहा है कि इस तरह का कुछ बहुत ही उम्दा किस्म का सॉफ्टवेयर बन चुका है जिसकी टेस्टिंग चल रही है। अगर ऐसा है तो टैक्स इवेडर्स के लिए इंडिया वो कंट्री नहीं रह जाएगी जैसा अभी तक हम सोच रहे हैं। और अगर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर है तो ये बहुत ही राइट अप्रोच है, क्योंकि वैसे लोग जिनके पास मैसिव पैसा है, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ कि घूमते BMW पे बट रिटर्न के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है और वो लाविश लाइफ जी रहे हैं। उनके लिए मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं या उनको अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ये जो ट्रेंड है इसको मुझे भी लगता है कि इस तरह के ट्रेंड से थोड़ी सी दूरी बना के रखने की ज़रूरत है कि आपने अगर इनकम कमाया है उसका प्रॉपर डिस्क्लोज़र दें, साथ के साथ जो भी आपकी लायबिलिटी है उसको पे करें, टाइमली टैक्स पे करें। और टैक्स पे करने से क्या है कि अगर आप देश की GDP को भी देखें और हमारे ग्रोथ को देखें तो हमारा कलेक्शन ही सब कुछ है, तो उस पैटर्न से भी देखा जाए तो आने वाले टाइम में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है और बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि अपने इकोनॉमी को स्ट्रेंथ किया जाएगा, साथ के साथ जो टैक्स कलेक्शन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा, बेस भी बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं हिमांशु कुमार, और एक अच्छी न्यूज़ थी जो मुझे लगा कि हम अपने यूज़र तक पहुंचाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ हम अब फायर TV और Google Play Store पे भी अवेलेबल हैं वीडियो चैनल के लिए, तो अगर आप हमें